हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आरसी एजुकेशन हब केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर जो है 2 है, उसमें अपन बात करेंगे मृदा जीवांश पदार्थ। किसकी बातें करेंगे? मृदा जीवांश पदार्थें। मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मृदा के अवयव, और मृदा के जो अवयव होते हैं वो कितने होते हैं? 4 अवयव अपन ने पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं मृदा के? 4 अवयव हैं। जो नॉर्मल तरीके से बात करें, इसमें 2 अवस्थाएं थी, एक ठोस अवस्था में थे, एक द्रव या गैसीय अवस्था के अंदर अपने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस वाले जो पदार्थ थे, उन पदार्थों में अपने पास में एक था जीवांश पदार्थ। कौन सा था? जीवांश पदार्थ, और एक था खनिज पदार्थ। जीवांश जो पदार्थ थे वो लगभग 5% मृदा के अंदर पाए जाते हैं। कितने होते हैं? लगभग 5% होते हैं तो जीवांश पदार्थ होते हैं। अब जीवांश पदार्थ हैं, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? कार्बनिक पदार्थ। क्या नाम है? कार्बनिक पदार्थ हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मृदा में जो जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ से उनको प्राप्त किया जाता है, ये अपन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन आज क्लियर करने वाले हैं कि जीवांश जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। इसको क्लियर करना जरूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर में अपने पास मृदा जीवांश के बारे में ही चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्लियर क्या होना चाहिए कि जीवांश पदार्थ क्या होते हैं। ओके, चलो जीवांश पदार्थ की परिभाषा क्लियर करते हैं। मृदा का वह अवयव जिसका निर्माण पेड़ पौधों व जंतुओं के अवशेषों के सड़ने व गलने से होता है, जीवांश पदार्थ कहलाता है। इसका मतलब मेन स्रोत कौन से हो गए? पेड़ पौधे और जंतु हैं, उनके अवशेषी जो अंग होते हैं। अवशेष अंग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पत्तियां होती हैं, जड़ वगैरह हैं, तना है, ये पेड़ पौधों का भाग है। और जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के जो अवशेषी पार्ट है, इनके मृत होने के बाद जो इनकी शरीर के जो अंग होते हैं वो अवशेषी अंगों के अंदर आएंगे, अवशेषी पार्ट कहलाएंगे। उनके सड़ने गलने से जो अपने पास पदार्थ बनेंगे वो पदार्थ कौन से कहलाएंगे? जीवांश पदार्थ कहलाएंगे। ओके, परिभाषा क्लियर है। पेड़ पौधों और जंतुओं पर निर्भर करते हैं कौन? जीवांश पदार्थ की परिभाषा। और पेड़ पौधों के जो अवशेष है वो कौन कौन से हैं, उसके आधार पर अपन देखें तो जीवांश पदार्थ के 2 स्रोत हैं। कितने हैं? जीवांश पदार्थ के स्रोत, यानी जीवांश जो पदार्थ है उसको कहां से प्राप्त करते हैं, उसके स्रोत कहलाते हैं, के स्रोत। अब देखिए आप स्रोत, अभी अपन अंडरलाइन किए हैं 2 वर्ड को, एक तो पेड़ पौधे, एक क्या है? जंतु। कितने स्रोत होते हैं इसके? 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्लांट। कौन से हैं? प्लांट है। और दूसरे कौन से होते हैं जिसमें अपने पास में जंतु आते हैं? एनिमल्स। कौन है? एनिमल्स। ये 2 पार्ट अपने पास में प्लांट्स हैं और एनिमल्स, ये स्रोत होते हैं जहां से जीवांश पदार्थ अपने को प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्लांट्स में, प्लांट हैं, और उसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। प्लांट जो होते हैं इनमें जो पदार्थ, कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो अवशेषी पार्ट के रूप में आते हैं, जिनके सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है? जीवांश का। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर है मुख्य रूप से जड़ है, तना है, पत्ती है, जो पत्तियां होती हैं, इनके सड़ने गलने से जो अपने पास में पदार्थ बनेगा वो पदार्थ कौन सा कहलाएगा? जीवांश पदार्थ कहलाएगा। तो जड़, तना, पत्तियों के सड़ने गलने से बनने वाला जो पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ अपने पास में बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लांट से प्राप्त होने वाला जीवांश पदार्थ कहलाएगा। ओके, दूसरा अगर अपन बात करें एनिमल्स में, यानी जंतुओं से, जंतुओं से अपने को जो प्राप्त होगा, जंतुओं से भी स्रोत हैं जीवांश पदार्थ के एनिमल्स भी, और एनिमल से नॉर्मली अपन देखें जैसे अपने पास में जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, मरने के बाद उनको डाल दिया जाता है, मिट्टी में दबा देते हैं, दबाने के बाद क्या होगा, उनसे जो पदार्थ जो बनेगा जिसको अपन ह्यूमस कहते हैं, ये ह्यूमस जो होता है वो कैसे बनता है? पेड़ पौधों की और जंतुओं के मिलने से बनता है। पेड़ पौधों में कौन से भाग मिलते हैं? तना मिलता है, पत्तियां मिलती हैं, सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं उनको अपन डाल देते हैं, गल जाते हैं, जो अपन खाद कहते हैं। याद होगा आप लोगों को, जो घर में अपन देसी खाद बनाते हैं वो देसी खाद जो होती है वो जीवांश पदार्थ का ही भाग होता है, और जिसमें प्लांट्स होते हैं सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन करते हैं?
प्लांट्स। अब जो भैंस, ये अपने जो जीव जंतु के अंदर बात करें, जो गाय है भैंस है, इनका जो गोबर होता है जिससे अपन कंपोस्ट खाद बनाते हैं, वो किसमें आती है? जंतुओं से। तो उसमें सड़े गले पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ ही है। सड़े गले पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वसा है, लिग्निन है। ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं के सड़ने गलने से। इनके अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं जंतुओं के, उनसे अपने को प्राप्त होते हैं। तो मोस्टली जो अपन खाद बनाते हैं, देसी जो खाद होती है घर के अंदर जो बनाई जाती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? जीव जंतुओं से। जंतुओं से अपने को प्राप्त यहाँ से होती है, यानी जंतुओं से खाद प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन देखें जो केचुए होते हैं, केचुआ जो होता है वो भी तो मिट्टी का निर्माण करता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वो भी किससे प्राप्त होती है? केचुए से प्राप्त होती है। जो मिट्टियां बनाई जाती हैं, अलग अलग टाइप की जो मृदाएं बनती हैं, उनमें मुख्य रूप से अपन देखें तो प्लांट और जंतु जो होते हैं दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जंतु जो होते हैं उनसे पहले बात करें प्लांट में, तो जड़ तना और जो पत्ती होते हैं, इनके सड़ने गलने के फलस्वरूप अपने पास इसका निर्माण हो जाता है, जीवांश पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और जंतुओं से अगर बात करें तो जो खाद अपन जो बनाते हैं, देसी जो खाद बनाई जाती है अपने घर के अंदर जो अपन बनाते हैं, उसमें क्या होते हैं? जंतु जो